मुझे अली से इस बात की खुशी है कि तुम किसी की जान तो नहीं लेना चाहती। जो प्यार करते हैं वो जान नहीं लेते। शिवांगी, शिवांगी, मैं अभी आई। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? ठीक तो है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? माँ हुआ। बड़ी माँ, ये क्या हो क्या क्या आपको? माँ, माँ, अरे स्टूपिड इडियट नॉनसेंस। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, माँ माँ बोल के माँ की बजा डाली ना तूने? देखना फिर से बोलेगी। मैंने कहा था ना मेडिसिन का रिएक्शन। अवंतिका, इन्हें इन्हें अंदर ले जाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसे ले जाऊं? मक्की, इन्हें अंदर ले जा, नहीं तो इन्हें तेरे ऊपर फेंकूंगी और फिर तू इसके तरह दबके मर जाएगी। चलो चलो, आ जाओ सब लोग, केक कट करने का टाइम हो गया। इतनी तो पीनी है, इतनी कहाँ पी है, चढ़ी जा रही है। चुप कर भैसन, वरना केक के बजाय तुझे काट दूंगी मैं। शेषा, आराम से बात कर, तेरी होने वाली सास है। सासू माँ की ढासू माँ, जब से मौ 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 कर रही है। हाँ, मेरी भी कोई स्टैंडर्ड है, बस एक पूछ की कमी है भैसन कहीं की। हे, चलो चलो। भाभी जी, आपके सौदे में दम नहीं है, मजा नहीं आया। अपने सिंह के बिना तुम बेकार हो, चुपचाप नागमणि लौटा दो वरना जल जाओगे। जल तो आ रही है, देखिए शमा, परवाना भी वहीं चलेगा। देखिए भाभी जी, चुपचाप बता दीजिए कि मेरा सिंह कहाँ है, वरना वरना क्या, वरना आज इस घर का एक तारा टूटेगा। एका, तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरती। ओके फाइन, मत डरिए, तो फिर तारा टूटने का इंतजार कीजिए। एंड काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 5, 4, 3, 2। ये महेश तो हद से बाहर जा रहा है। मनी के लिए मैं मासूमों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे भाभी जी, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए, देखिए कितना खून बह गया इसका। प्लीज जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। ये झूमर ऊपर से कैसे गिर गया? खोल, जल्दी आंखें खोल अपनी सुशांत। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? करके बच्चे हैं ये। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरा सीन वापस दे दो, वरना इस घर का एक तारा टूट जाएगा। और आप पूछती है मैंने क्या किया?
संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। कोई भी कपड़ा लेकर आओ, कपड़ा कपड़ा लेकर आओ। सुशांत आके खोल अपनी, सुशांत सिंह तीन घंटे देता हूँ तुम्हें, मेरा सिंह वापस कर दो। अब तो वक्त की कीमत तुम्हें पता ही चल गई होगी ना। अगर तीन घंटे में तुमने मेरा सिंह वापस नहीं दिया तो इस घर का दूसरा तारा टूटेगा। नागिन के प्यार का तारा, इस घर के परिवार का दूसरा तारा, आलिया। क्या बिगाड़ है उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों उसकी जान लेना चाहते हो तुम? दे दो मेरा सिंह वापस। तीन घंटे कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है सुशांत की यह हालत। नागमणि के लिए एक निर्दोष की जान जा रही है और मैं, शिव जी मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाइए। मैं सुशांत की जान बचा सकती हूँ। गुरुदेव, मैं एक जहरीली नागिन हूँ, मेरा जहर सिर्फ मारना जानता है। नहीं, जहर मार सकता है तो जहर जहर को काट भी सकता है। अब ये तुझ पर है कि तू किसी को मारना चाहती है या बचाना। अगर तू अपने इंसानी रूप में पूरे दिल से अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से अपने इष्ट, अपने शिव का जाप करेगी तो तेरा जहर इंसान को जीवन दान भी दे सकता है। शिवांगी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कपड़ा लाने के लिए कहा था। सुशांत की हालत कितनी नाजुक है और तुम ये क्या छिपा रही हो तुम? शिवांगी, क्या काढ़ा है? काढ़ा सुशांत के लिए बनाया है। हमारे शहर में जब भी किसी को बहुत चोट लगती थी तो ये काढ़ा बनाकर पिलाते थे। देखना, पीते ही सुशांत की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा कम और जहर ज्यादा दिखाई देता है मुझे, और वैसे भी इन बात पर विश्वास नहीं रखता मैं। जो काम कहा गया वही करो तुम। सुशांत, तुम बैठो, कुछ नहीं होगा उसको। तुझे कुछ नहीं होगा, कितना कुछ कह रहा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। रोटी नहीं होगा, इतना खून जा रहा है। ध्यान से सुशांत, कुछ नहीं होगा, इसे मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैंने फोन किया था, मैं देखता हूँ। मैंने फोन किया, फोन कीजिए। देखिए इसे पीकर सुशांत की तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे कोई छोटी मोटी चोट नहीं लगी है, बहुत गहरी चोट लगी और काढ़े से कुछ नहीं होगा। हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा, कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा इसे। बुआ मेरा विश्वास कीजिए, ये पीकर सुशांत बेटर फील करेगा। मैंने कहा कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा। रॉकी, इतना बोल रही तो पिलाने देना। शिवांगी, तू पिला दे से। अच्छा, भगवान ही जाने तुम इसे क्या पिला रही हो। इसे पीकर अगर इसे कुछ हो गया ना शिवांगी, तुम्हें
कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। हट जाओ जरा, हट ना। डॉक्टर एक मिनट। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? अब घबराइए नहीं, जल्दी से गर्म पानी और एक साफ टॉवल ले आइए। आलिया जी, गर्म पानी। जहाँ जहाँ खून बह रहा है वहाँ स्टेज करने होंगे। अरे ये क्या है? आप लोगों ने इन्हें कुछ दिया था क्या? हाँ, काढ़ा। शिवांगी, काढ़ा दिया था इसे। काढ़ा? जी। कैसा काढ़ा? वो मेरी माँ का नुस्खा है, मुझे लगा इसकी तबीयत बेटर हो जाएगी। मैंने कहा था ना चाचू, इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शाम को कुछ छोड़। नो, इस काढ़े ने तो गहरा असर किया है। देखिए कितना गहरा घाव भर गया, वरना स्टेचेस किए बिना ये खून रोक पाना नामुमकिन था। इस काढ़े ने इनकी ब्लीडिंग रोक दी है, अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू शिवांगी। मतलब शिवांगी के काढ़े ने सुशांत की जान बचाई। मैं कितना गलत था। अरे वैसे सुशांत की तबीयत अभी ठीक है, बट आई थिंक हमें दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यहाँ पास में एक दूसरा डॉक्टर है, हम एक काम करते हैं, किसी और को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तुम और मैं चल के उसे ले आते। आई थिंक एक बार रॉकी भाई से पूछ लेते हैं। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, सो डोंट वरी। कम कम। हे शिव जी, महेश अब आलिया को मारने जा रहा है। आलिया, क्या हुआ भाभी? तो इसके साथ क्यों जा रही है? क्यों मतलब? सॉरी, मेरा मतलब तो इसके साथ कहाँ जा रही है? भाभी जी, मेरे साथ ही तो जा रही है। मैं कोई जान थोड़ी ना ले लूंगा इसको। मैं दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। वो क्या है ना कि हम सुशांत के लिए ही जा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर को बुला लें। वो डॉक्टर थोड़ा बुढ़ा है ना, तो उसे लेने जाना पड़ेगा, बस इसलिए जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार बहुत धीरे चलाऊंगा। जो भी कुछ होगा धीरे धीरे ही होगा। एक्सीडेंट होगा ऐसा लगता है ना आपको? एक्सीडेंट नहीं होगा, मुझे ये लगता है, तो डोंट वरी। आलिया तुम अंदर जाओ, इसके साथ मैं चली जाऊंगी। ओके बाबा। तुम मासूमों की जान क्यों लेना चाहते हो? नहीं लूंगा, पर आप प्लीज मेरा सींग लौटा दीजिए ना। 11 बजे नहीं है अब तक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 11 बजे तक आपने मेरा सींग नहीं लौटाया तो आपका जो परिवार है ना, इसके एक एक मेंबर को इंस्टॉलमेंट में मारूंगा मैं। तो कृपया करके मेरा सींग लौटा दीजिए ना प्लीज। अभी 11 बजे नहीं है, लेकिन बजेंगे जरूर। ये रुद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? कितनी देर से फोन कर रही हो तुम्हें? देखो ये महेश हाथ से आगे बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हमें वो सींग नहीं मिला तो